Hello friends, welcome on my YouTube channel Success Key and myself Raveena Bishnoi. I am an educator at An Academy. आप An Academy profile पे भी जाके मेरे द्वारा बनाए गए different courses दे सकते हैं, जिसमें NCERT for geography class 10th and 11th के लिए कोर्स है और economics के ऊपर रमेश सिंह से related बहुत सारे अच्छे अच्छे topics लिए गए हैं जिनके ऊपर discussion किया गया है, and science and technology chemistry पे भी different courses बनाए गए हैं. तो friends, study करते हैं हम इस course के अंदर ऑन YouTube, दैट इज़ MPPSC 2019 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, जिसके अंदर आपको वेरियस टेस्ट सीरीज़ करवाए जाएंगे और जिनका आपको शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है, दैट इज़ 4 टेस्ट होंगे आपके वीक के अंदर. एक टेस्ट जो होगा उसके अंदर करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, जिसमें जनवरी टू दिसंबर हम 2018 के करंट अफेयर्स कवर अप करेंगे. एक फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका संडे को. 2 टेस्ट होंगे स्टैटिक सिलेबस से मंडे और थर्सडे को. एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उसमें आपको स्टैटिक जो टेस्ट होगा उसके अंदर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाएगा. और इसके अंदर जो प्री प्लान आपको सिलेबस दिया जाता है हर एक जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है, जैसे इसका सिलेबस भी पहले दे दिया गया था, और जो इसके अंदर डिफरेंट बुक्स हमने कवर करी हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट इज़ फ्रॉम सारी NCERT 6 to 12 ऑफ हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस एंड इकोनॉमिक्स, रमेश सिंह फॉर इकोनॉमिक्स, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, GC लियोंग फॉर ज्योग्राफी, शंकर IAS एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए. करंट अफेयर्स जो होंगे आपके डिफरेंट बुकलेट से कवर किए जाएंगे. हिंदू PIB योजना, कुरुक्षेत्र एंड साइंस रिपोर्टर. लूसेंट यूज़ की जा रही है, 4 होल GK, इनके अंदर लूसेंट से भी आपको टॉपिक कवर अप करने होंगे. और MP का कोई भी ऑथेंटिक सोर्स आप उठा के यूज़ कर सकते हैं. आपको सिलेबस दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है. तो हमारा सिलेबस जो टेस्ट पेपर 1 जो हो चुका है, जिसके अंदर हमने एंशियंट हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए, इंडस वैलीज, वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, महाजनपद, मौर्यन एम्पायर, तो ये सब आपको जो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया गया, आप टेस्ट पेपर 1 को जाके सॉल्व कर सके हैं. पहले आप इन ये जो सोर्सेज है NCERT फॉर क्लास 6 एंड NCERT फॉर क्लास 12 पार्ट 1 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री और लूसेंट कप टू गुप्ता पीरियड तक आपको कवर अप करना है. पहले आप कवर अप कीजिए, उसके बाद में वो टेस्ट जाके लगाइए, आपकी फुल ऑन रिवीजन हो जाएगी फॉर दिस टेस्ट. इस टेस्ट से आपकी फुल ऑन रिवीजन हो जाएगी एंशियंट हिस्ट्री की. हमने जो सिलेबस दिया था पेपर 2 के लिए, दैट इज था उसमें पॉलिटी, जिसमें क्लास 6 की पॉलिटी कवर करनी थी, जिसमें सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1 एंड क्लास 7 पॉलिटिकल NCERT सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2. अब ये फ्रेंड मैंने क्यों करवाई है, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये पॉलिटी की तो कौन पढ़ता, कोई पढ़ता भी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं होती, सीधा लक्ष्मीकांत ही पढ़ ले. नहीं फ्रेंड्स, सीधा लक्ष्मीकांत पढ़ना इतना ज़्यादा बेटर नहीं होगा जब से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में पता नहीं होगा. तब तक आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वो इतनी अच्छे से समझ, क्योंकि अगर आपने ये कवर अप कर ली NCERT तो आपको लक्ष्मीकांत इतनी ईजिली समझ आएगी, इतना ईजी होगा आपको याद करना. सिर्फ अब उसमें आपको क्या करना होगा, सिर्फ आर्टिकल्स याद करने होंगे. बेसिक जो नॉलेज है आपको ये NCERT पढ़ने से मिल जाएगी, कि जैसे 6th और जो 7th क्लास की NCERT है पॉलिटी की, वो डेमोक्रेसी के बारे में नॉलेज पैदा करती है, कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी, पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, रूरल एंड अर्बन लिविंग के अंदर कैसे लिविंग होती है और कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लो रोल ऑफ गवर्नमेंट का, हेल्थ जो हेल्थ होती है हमारे रूरल और अर्बन पीपल्स की, जो लोकल हमारे पीपल हैं सिटीजन्स, उनकी हेल्थ को कैसे ये रोल अफेक्ट करती है, गवर्नमेंट कैसे इनको अफेक्ट करती है, मीडिया का क्या रोल है, और मार्केट सिस्टम कैसे हैं इंडिया के अंदर. तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आपकी पॉलिटी की बुक के अंदर आपको इतनी बार लिखे हुए मिल जाएंगे, पर जब तक आपका इन वर्ड का मतलब नहीं जानेंगे आपको कैसे समझ में आएगी सीधी लक्ष्मीकांत. तो इनके अंदर, इन बुक्स के अंदर, पॉलिटी के अंदर जो क्या है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके इतनी अच्छी तरह से इन टॉपिक्स को समझाया गया, दैट इट्स वर्थ कि आप एक बार, और टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा है, 4 से 5 घंटे में आपकी दोनों NCERTs हैं वो कवर अप हो जाएंगी. तो अगर जिन्होंने पढ़ ली है तो वो टेस्ट लगाइए, और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है प्लीज़ फ्रेंड्स फर्स्ट गो थ्रू दी NCERT फिर टेस्ट लगाइए, आपका पूरी रिवीजन हो जाएगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसमें कुछ इतना पॉलिटी से रिलेटेड नहीं है कि आपको यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिलेंगे, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड इसके अंदर टॉपिक है और क्वेश्चंस भी ऐसे हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं, अराउंड 25 क्वेश्चन ही आज हम कवर अप करेंगे, ठीक है, और विद 2 क्वेश्चंस ऑफ मेंस परस्पेक्टिव, ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज डाइवर्सिटी इज रिलेट टू व्हाट. डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, किससे रिलेट करते हैं हम डाइवर्सिटी को, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, दैट इज पीपल अडेप्ट देयर लाइफ टू जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स, पीपल प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स,
पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं बोलना, अलग अलग रिलीजन्स को प्रैक्टिस करना, या फिर हम जहाँ पे जिस ज्योग्राफिकल कंडीशन पे रह रहे हैं उसके ऊपर कैसे, मतलब ठंडे एरिया के अंदर हमें पहाड़ों के पास रहते हैं तो कैसे हम उसको अडेप्ट होते हैं, कैसे हम ठंड गर्म कपड़े पहनते हैं, कैसे कौन से घरों में रहते हैं, तो उसको अडेप्ट करना. एंड पीपल गो टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स. तो इसमें डाइवर्सिटी से क्या रिलेट करते हैं, तो फ्रेंड जो फर्स्ट थ्री हैं कि हम ज्योग्राफिकल और उसकी हिस्टोरिकल फैक्टर को देख के वहाँ पे अडेप्ट हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स अडेप्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं बोलते हैं, इसे बोला जाता है डाइवर्सिटी. अब जो डिफरेंट स्कूल्स में जाना, ये डाइवर्सिटी से रिलेट नहीं करता बल्कि ये इनइक्वालिटी से इक्वेट करता है. मतलब कुछ लोग प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं. वो क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता. तो ये पॉइंट आता है इनइक्वालिटी का, ना कि डाइवर्सिटी का. तो समझ में आया व्हाट इज़ डाइवर्सिटी. तो इसीलिए बोला जाता है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्स, द इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, ठीक है, और डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ठीक है. इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम में एकता है. तो विविधता हम देखते हैं कि कितने टाइप की विविधता है, रिलीजन अलग है, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लद्दाख इज़ फेमस फॉर, लद्दाख किसके लिए फेमस है. डेजर्ट इन द माउंटेन्स, कोल्ड वेदर, पश्मीना वूल, सिचुएटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर. तो किस लिए फेमस है ये, ऑफ कोर्स कि ये कोल्ड डेजर्ट है माउंटेन्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे वेदर भी बहुत ठंडा है. बट ये फेमस, मतलब फेमस होना किसी चीज़ का ही होता है फ्रेंड्स, कि कुछ ऐसी चीज़ वहाँ पे होना जो कहीं और नहीं मिलती, नहीं पाई जाती इतनी बेस्ट क्वालिटी में. तो ये जो है फेमस है फॉर इट्स पश्मीना वूल, ठीक है. और ये ऑफकोर्स ये बिल्कुल सही है कि ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड होता है. इसे लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है, इट्स कॉल्ड लिटिल तिब्बत, ठीक है. क्यों, क्योंकि ये तिब्बत से सटकर लगा गया और बहुत सारे जो यहाँ पे इसके अंदर जो तिब्बतियन के जो कल्चर्स है वो फॉलो किया जाता है, ठीक है. यहाँ पे केसर सागा जो तिब्बत का एक नेशनल एपिक सॉन्ग है वो भी यहाँ पे गाया जाता है, ठीक है. तो इसलिए इसे, ठीक है, लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन पे, इज़ अबाउट स्पाइसिस ग्रोन इन अ केरला हिल्स रीजन. जो केरला हिली, केरला के हिली रीजन के अंदर, जैसे हम बोलते हैं कि केरला में काफ़ी हिल्स आते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीचे कार्डमम की पहाड़ियाँ, ये सारी पहाड़ियाँ जाते हैं, तो इन पहाड़ियों में कौन सी स्पाइसिस जो होती हैं फेमस हैं, जो जिनकी वजह से, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे यहाँ पर ट्रेडर्स भी आए थे, जूश अरब आए थे, वो ट्रेडर्स वो स्पाइसिस लेने के लिए आए थे, जिसे काला सोना बोला जाता था, ठीक है. जैसे पेपर, तो पेपर, क्लोव्स, रेड चिली और कार्डमम. तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, कौन से हिली रीजन्स में स्पाइसेस. तो आंसर इज पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम, ठीक है. तो ए बी एंड डी. रेड चिली यहाँ पे नहीं मिलती. रेड चिली कहाँ पे मिलती है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है रेड चिली की, उसके बाद में महाराष्ट्र, ठीक है. तो जैसे कार्डमम की पहाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे, तो ये वहीं से निकल जाता है. तो तीन यहाँ पे पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम, क्योंकि यहाँ पे जो जूश और अरब, इसी के लिए यहाँ पे जो है ये भी माना जाता है कि यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी है वो 2000 साल पहले की थी. सेंट थॉमस यहाँ पे आए थे, इबन बतूता भी यहाँ पे आए थे, पोर्टुगीज भी यहीं पे यहाँ के पहले केरला रीजन के अंदर आए थे, जिन्होंने सीरू डिस्कवर किया था, ठीक है, वास्को डी गामा, ठीक है. यहाँ पे केरला कोस्ट पे ही आए थे वो, ठीक है. यहाँ पे जो रिलीजन है जुदाइज्म और इस्लाम, ये माना जाता है, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस केरला रीजन. नेक्स्ट इज चेन्नावल्ला इज, चेन्नावल्ला क्या होता है, ये भी केरला के ही रीजन के अंदर कोई चीज़ है, जैसे फ्राइंग पैन, फिशिंग नेट, गेम या बोट. तो क्या होता है चेन्नावल्ला, चेन्नावल्ला इज फिशिंग नेट, ठीक है. क्यों, क्योंकि ये बोला जाता है कि ये चाइना से थोड़ा रिलेट थे, ट्रेड करते थे, तो इन्होंने इनके फिशिंग नेट को चेन्ना बोला जाता था और इनके फ्राइंग पैन को बोला जाता है चेन्ना चिट्टी, ठीक है. नेक्स्ट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी फ्रेज इज कॉइंड बाय, यूनिटी विविधता में एकता का जो फ्रेज था किसने कॉइन किया था, किसने पहली बार ये वर्ड बोला था, दैट इज बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जिनका कल जन्मदिन था, चिल्ड्रंस डे हमने बनाया, दैट इज जवाहरलाल नेहरू. तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का फ्रेज उन्हीं के द्वारा दिया गया था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, प्रिजुडाइस इज अ टर्म यूज्ड टू, प्रिजुडाइस क्या होता है, प्रिजुडाइस किसे बोलते हैं, जज अदर पॉजिटिवली, जज अदर नेगेटिवली एंड इन्फीरियर, जज अदर्स बिलीफ सिस्टम एंड जज अदर्स होम अफेयर्स, ठीक है. तो ये होता है मैं
फ्रेंड्स किसी के बारे में मतलब कुछ अवधारणा ही बना लेना, ठीक है। जज किसी दूसरे को नेगेटिवली जज करना और उसे इन्फीरियर समझना, ये मतलब कुछ अपने मन में हम अवधारणा ही बना लेते हैं। लाइक कि अगर मैं इंग्लिश स्पीक करती हूँ तो मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ और जो हिंदी स्पीकिंग है वो इतनी सुपीरियर नहीं है, बल्कि ये गलत है। दैट इज़ जज नेगेटिवली। और कोई भी इन्फीरियर नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ अपनी अहमियत होती है। मतलब भगवान ने हर एक जो क्रिएचर बनाई है कुछ उसमें स्पेशलिटी डाल दी है, आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो किसी दूसरे के अंदर नहीं होंगी। तो ये ऐसे किसी को नेगेटिवली जज करना और उसे इन्फीरियर समझना इज़ कॉल्ड प्रिजुडाइज। लाइक इंग्लिश को जैसे इसका एग्जाम्पल दिया कि इंग्लिश इज़ अ बेस्ट लैंग्वेज टू रीड एंड राइट, और दूसरा कोई हिंदी पढ़ रहा है तो हम समझते हैं कि ये तो इन्फीरियर है। इट्स बैड, ये बहुत ही गलत बात है। नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइप्स आर। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स होते हैं हमारे बिलीव्स, हमारे थॉट्स या हमारी फीलिंग्स या फिक्स पीपल इनटू वन इमेज। अब स्टीरियोटाइप ये वर्ड आपको बहुत जगह मिलेगा, ठीक है। प्रिजुडाइज वर्ड भी आपको पॉलिटी के बुक में मिल जाएगा, स्टीरियोटाइप्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होते क्या हैं स्टीरियोटाइप्स? स्टीरियोटाइप्स होते हैं फ्रेंड्स की आंसर इज डी, द फिक्स पीपल इनटू एन इमेज। किसी इमेज के अंदर किसी एक बंदे को फिट कर देना और उसके बाहर अपन सोचते हैं कि जो अगर कुछ है तो वो गलत है। लाइक हम बोलते हैं कि बॉयज डू नॉट क्राई, छोटे से मतलब बच्चे को शुरू से ये समझाया जाता है कि अगर लड़का गिर भी जाता तो नहीं बेटे यू आर गेट अप, यू आर स्ट्रांग बॉय, लड़के थोड़ी ना रोते हैं। तो दीज आर द टाइप स्टीरियोटाइप, मतलब हम एक बंदे के लिए एक इमेज सेट करते हैं। जैसे लड़के को छोटे होते ही कार खेलने को दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया खेलने को दी जाती है। मीन्स दीज आर स्टीरियोटाइप कि लड़कियों को ये चीज़ें पसंद होंगी वो उसी को खेलेंगे, वो सॉफ्ट सी होती है और लड़के क्या होते हैं स्ट्रांग होते हैं। तो ये हमारे स्टीरियोटाइप से हमने कुछ मतलब ये हमारे गलत बिलीव सिस्टम है हमारे हर जगह पर, ये नहीं कि किसी एक जगह पर या हर जगह पर, ये हमारे गलत स्टीरियोटाइप्स की हम कि एक इमेज के अंदर उसे सेट कर, लड़कियाँ ये काम नहीं कर सकती, लड़के ये काम कर सकते हैं। दीज आर द स्टीरियोटाइप्स। बट अब ये स्टीरियोटाइप्स बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, लड़कियाँ भी वो काम कर सकते हैं जो लड़के कर रहे हैं, लड़के कर सकते हैं। वर्ल्ड यूज इन द प्लेस ऑफ डिसेबल, जो डिसेबल की जगह पे जिसका वर्ड अभी यूज होता है, पहले डिसेबल बोला जाता था, अब क्या बोला जाता है? चिल्ड्रन नीड स्पेशल केयर, पीपल हु लॉस समथिंग एंड पीपल हु नीड हेल्प एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो अब बोला जाता है चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड इज वर्ड यूज अगेंस्ट डिसेबल। पहले डिसेबल बोला जाता था, अब डिसेबल मतलब किसी को इन्फीरियर लगता है कि मैं डिसेबल्ड हूँ, मेरा कुछ मतलब टूटा फूटा है, तो मतलब ये डिसेबल मतलब मैं एबल नहीं हूँ कुछ कार्य करने के, बल्कि ऐसा नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पैरा ओलंपिक्स गेम के अंदर कितना ही मतलब महान लोग कार्य करते हैं जो डिसेबल्ड भी होते हैं। तो दीज आर द चिल्ड्रंस और पीपल विच नीड स्पेशल नीड, जिनको कुछ स्पेशल नीड होती है, बट ऐसा नहीं कि वो कुछ एबल नहीं है कुछ करने के, ठीक है, वो एबल हैं सब कुछ करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इजी सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा, दैट इज़ बी आर अंबेडकर। पर मैं इसके अंदर कुछ और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर रही हूँ, जो मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है फ्रेंड्स। ये सभी एनसीईआरटी के बुक्स के ही क्वेश्चन है। दैट इज़ दे आर फॉट राइट्स फॉर अ दलित। इन्होंने दलितों का जो मुद्दा था, क्योंकि ये खुद एक दलित थे, मेहर कास्ट थे, इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी उसके अंदर लिखी है कि कैसे मेरे को इन्फीरियर करार दिया जाता था। उसके बाद में इन्होंने बुद्धिज़्म जो रिलीजन है वो एक्वायर कर दिया था, क्योंकि मतलब कि उनके अंदर सभी को इक्वालिटी, हमने पहले बुद्धिज़्म में एंशन है, क्योंकि बुद्धिज़्म में क्या होता है कि सभी को इक्वल समझा जाता, किसी को भी कास्ट बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। इन्होंने बोला था कि इक्वालिटी इज की वैल्यू टू यूनाइट ऑल इंडियंस। अगर सभी को एक सूत्र में बांधना है तो सबको पहले इक्वल समझना चाहिए, जो अभी तक भी हम पूरा इक्वालिटी तक नहीं पहुंच पाए, अभी तक भी अनइक्वालिटी हमारे इंडिया में मौजूद है, बजाय कि बहुत सारे लॉज पास हो चुके हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंक्लूड्स, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? डेमोक्रेटिक जिसे हम बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक जो हमारी प्रजातंत्र, उसे क्या बोला जाता है? प्रजातंत्र से में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? दैट इज़ पीपल पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी एंड जस्टिस, रेजोल्यूशन ऑफ कंफ्लिक्ट एंड किंग इज सुप्रीम। तो डी तो बिल्कुल ही हट गया कि किंग इज सुप्रीम, वो मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी नहीं होती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? हम वोट करते हैं, हम एमपी एमएलएज को चुनते हैं जो हमारे वहाँ पे सरकार बनाते हैं और हमारे लिए कानून पास करते हैं। हम सभी यहाँ पे इक्वल माने जाते हैं और हमें जस्टिस का अधिकार है, हम सुप्रीम कोर्ट में, हर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। रेजोल्यूशन ऑफ कंफ्लिक्ट, हमारे अंदर अगर जो दोनों आपस में लोगों के अंदर कोई कंफ्लिक्ट होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, वो कंप्लेंट नहीं सुन सकते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर या लोअर कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या है? राइट टू वोट है,
हमारे पास राइट टू वोट है, ठीक है। तो ये हमें राइट टू वोट इंडिया के अंदर कब मिला था, जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था उसके बाद मिला था। अमेरिका में कब से आया था, 1920 में, और यूके में सभी को राइट ऑफ वोट मिला था 1928 में। उससे पहले क्या होता था हमारे इंडिया में भी, इससे पहले आज़ादी से पहले या कॉन्स्टिट्यूशन पास होने से पहले हमें क्या होता था कि सिर्फ कुछ लोगों को मत देने का अधिकार था, जैसे कि बहुत जो रॉयल लोग होते थे, लेडीज़ को तो था ही ना, वीमेंस को तो था नहीं, जो बस बहुत ही कुछ मतलब इंडिविजुअल्स या मैन जो सुपीरियर्स होते थे उनको अधिकार होता था, औरों को नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमेरिका 1920 में दिया गया, ये वुमेंस को भी दिया गया क्योंकि वुमेंस ने इसके लिए लड़ी। और ये 1920 में ही क्यों दिया गया, क्योंकि हमने देखा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी 14 टू 18 के बीच में, तो सारे जो मर्द थे, जो मैन थे, सारे युद्धों में लग गए थे, तो उनकी जगह पे इंडस्ट्रीज़ पे काम कौन कर रही थी, लेडीज़ काम कर रही थी, वहाँ पे घर का काम भी कर रही थी और इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जहाँ पे उनके जो हस्बैंड्स थे जो लगे हुए थे वहाँ पे वो कार्य कर रही थी। तो तब उन्होंने बोला कि हम जब ये कुछ कर सकते हैं तो हमें मत का अधिकार क्यों नहीं है, उसके बाद में उन्हें वो मत का अधिकार दे दिया गया उनकी काफी लड़ाइयों के बाद में। नेक्स्ट इज यंग इंडिया इज रिटन बाय, अब यंग इंडिया जो एक जर्नल है किसके द्वारा लिखा गया, दैट इज महात्मा गांधी। ये एक वीकली इंग्लिश जर्नल था जिस जो राधी जी ने इसको एडिट किया था, और 1990 से 1931 में इन्होंने लिखा था, और इन्होंने भी यहाँ पे अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन सभी को मत का अधिकार होना चाहिए वो उसके बारे में जोर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट इज अपार्थिड लास्ट फॉलो इन विच कंट्रीज, अपार्थिड जो लाज होते हैं, ठीक है, रंग भेद के जो कानून है वो कहाँ पे थे लागू, यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, तो आंसर इज साउथ अफ्रीका। सभी को मालूम होगा कि ये साउथ अफ्रीका था, दैट इज़ जहाँ पे ब्लैक, वाइट और इंडियन को आपस में एक ला था कि आपस में मिंगल नहीं कर सकते, आपस में नहीं रह सकते, उनकी एसोसिएशन नहीं बना सकते, ठीक है। तो वो ये था कि मतलब जो काले लोग होते थे, ब्लैक पीपल्स होते थे, उनके लिए अलग से हॉस्पिटल होते थे, उनकी बसें भी अलग होती थी, उनके स्कूल भी अलग होते थे, बिल्कुल अलग होते थे उनके, ठीक है। तो इसलिए उसके बाद में 1976 में इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया, 1994 के अंदर नेल्सन मंडेला जी तो वो सक्सीड हो गए इस लॉ को अपील कराने के लिए। अब अगर हम सोचें कि क्या अमेरिका में भी ऐसा था, हाँ फ्रेंड्स, अमेरिका में भी ऐसा था, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ एक्ट थे जिसमें से जो सिविल राइट एक्ट उसके बाद में 1964 के अंदर पास हुआ था, जिसके अंदर जो मतलब जो रेस और रिलीजन या नेशनल ओरिजिन के केस में जो था उसे प्रोहिबिट कर दिया गया, क्योंकि वहां पे अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में बहुत भेदभाव था। अफ्रीकन अमेरिका में कैसे पहुंचे हमें पता है कि वो स्लेव्स थे पहले और वहां पे कार्य करते थे और वहां पे उन्होंने फिर सिटीजनशिप ले ली, तो सिटीजनशिप होने के बावजूद भी उनके साथ बहुत ही रंग भेद कर दिया जाता था। मतलब बसों के अंदर वो लास्ट में बैठते थे, अगर कोई अमेरिकन आ गया है, गोरा अगर आ गया, तो कालों को उठना पड़ता था और वहां पे उनको जगह देनी पड़ती थी। अब इसके अगेंस्ट में फिर वहां पे प्रोसेशन हुए और फिर सिविल एक्ट पास हुआ 1964 में जाके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका शुरू से एडवांस है। पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बाय, हम अगर जो लोग होते हैं, जनता होती है, अगर हमें गवर्नमेंट के कोई एक्शंस या कोई पॉलिसी उन्होंने पास करी है या कोई स्कीम लेके आई है उसके अगेंस्ट अगर अपने व्यूज देने हो तो हम कैसे देते हैं, धरना, स्ट्राइक्स, या हम वोट के थ्रू, हम जब या तो धरना या स्ट्राइक पे बैठ जाएं, या फिर जब हम नेक्स्ट टाइम जब वोट होंगे तो उन्हें वोट ना दें, या फिर हम रैलियां कर सकते हैं, या फिर हम सिग्नेचर कैंपेन्स चला सकते हैं, या फिर हम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को बर्न कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ए बी सी ये कर सकते हैं, पर डी नहीं कर सकते, हमें जेल में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दीज आर द पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन एक्शन ऑफ गवर्नमेंट बाय, इसी के थ्रू हम गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा आर, ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं। आप सभी को पता होगा कि ग्राम सभा कहाँ पे होती है, जो हमारी विलेज लेवल पे होती है, जो पंचायत बनती है वहाँ पे ग्राम सभा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं, आर ओल्ड मेन्स ऑफ अ विलेज, आर मेन्स, आर लिटरेट पीपल्स, सभी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो, या ऑल हु इज 18 और अबव एंड राइट टू वोट, तो द आंसर इज डी, सभी लोग ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं जो 18 या उससे ऊपर की उम्र के हों और उन्हें वोट का अधिकार हो, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो भी इससे क्या फ़र्क होता है कि ग्राम सभा के मेंबर्स आपस में डिसीजंस लेते हैं, उन्हीं में से फिर वो किसको, जो उनमें से विलेज में वार्ड्स बनाए जाते हैं, फिर उनमें से क्या होता है, जो हमारे पंच चुने जाते हैं, उनमें से हम ही लोग जो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं वही सरपंच को चुनते हैं, ठीक है। तो ये इट्स अबाउट जो हमारे विलेज लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन होती है। नेक्स्ट इज कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन, कावेरी वाटर डिस्प्यूट का मामला किसके बीच में है, तो ये फ्रेंड्स बहुत ही हॉट टॉपिक है, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। अभी भी इसके ऊपर काफ़ी सारे रिव्यूज आए थे, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, तो आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो किसके बीच में है, कर्नाटका
एंड तमिलनाडु के बीच में है कावेरी वाटर डिस्प्यूट। बहुत ही हॉट टॉपिक है फ्रेंड्स, सभी को पता होना चाहिए कि कावेरी रिवर कहाँ पे है और कहाँ से ये डिस्प्यूट होता है। फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के क्या फंक्शन होते हैं? लेवी एंड कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस, एग्जीक्यूटिंग द गवर्नमेंट स्कीम, मेंटेनिंग द वाटर रिसोर्सेज, रोड, ड्रेनेज, स्कूल वगैरह को मेंटेन करना, इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी सरकार स्कीम लेके आ रही है उन्हें गाँव लेवल पे, गाँव के स्तर पर उन्हें लागू करवाना, ठीक है। जैसे कि स्वच्छता अभियान है, जैसे गांवों में भी लागू है और लोगों को वहां पे उसको दिए जाते हैं, हेल्प की जाती है, और गवर्नमेंट स्कीम जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो द आंसर इज बी, सी एंड डी। जो फर्स्ट ऑप्शन में उसमें गलती ये है कि यहां पे लोकल टैक्स आएगा, नॉट ऑफ डायरेक्ट सेक्टर। ये लेवी और कलेक्ट कर सकती है लोकल लेवल के जो टैक्सेज होते हैं, ना कि डायरेक्ट टैक्सेज को, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करें फ्रेंड्स, पेपर में यही छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स होते हैं वो हमें पीछे ले जाती हैं। टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन इंडिया, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख और 10 लाख। द आंसर इज सी, 6 लाख। 6 लाख विलेजेस हैं हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो इनहेरिटेंस के लिए, मतलब कि किसी जमीनी अधिकार के लिए जो अमेंडमेंट किया गया था, तो वो कब पास हुआ? अमेंडमेंट एक्ट, तो वो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था फ्रेंड फ्रांस 2005 के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर शेयर किया जाता था कि अगर हमारे पिता का जो शेयर है वो किस किस को जाएगा, सभी को जाएगा, उनकी वाइफ को जाएगा, उनके बच्चों को जाएगा, लड़के को जाएगा, लड़की को भी जाएगा, लड़की को भी जाएगा, तो मीन सभी को वो जाएगा सक्सेशन। और ये था हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट। पहले क्या होता था कि जो बाप का अधिकार था किसके सीधे लड़के को जाता था, ना कि लड़कियों का जाता था, जो 1956 में एक्ट ऑफ इनहेरिटेंस पास हुआ था, बट फिर उसने अमेंडमेंट कर दिया गया 2005 में, जिसमें सभी को उसका शेयर दे दिया गया। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू एवरी पर्सन इन इक्वल बिफोर द लॉ। सभी पर्सन जो हैं इक्वल हैं लॉ के सामने, कानून के सामने सभी बराबर हैं। किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, रेस का हो, कास्ट का हो या सेक्स का हो, किसी मतलब मेल हो या फीमेल हो, सभी पर्सन हैं उन्हें जो पब्लिक और प्राइवेट प्लेसेस को एक्सेस करने की स्वतंत्रता होगी। अनटचेबिलिटी को जो ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रिलेट, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ए, बी एंड डी। सी नहीं आता क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या लिख दिया है, प्राइवेट प्लेसेस लिख दिया। प्राइवेट प्लेसेस में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी होटल में जाके घुस सकते हैं, ठीक है, नहीं। सिर्फ पब्लिक प्लेसेस हैं कि पब्लिक ग्राउंड्स को यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस में हॉस्पिटल, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जा सकते हैं, प्राइवेट में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें फ्रेंड्स। स्कीम्स फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी जो हमारे मतलब समानता का, समानता दिखाने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लाएंगे, जैसे भावांतर योजना, मिड डे मील, जनधन योजना या लाडली लक्ष्मी योजना, तो जो इक्वालिटी के लिए कौन कौन सी स्कीम है? तो बी, सी एंड डी, ये सारी जो इक्वालिटी के लिए, भावांतर जो अभी एमपी गवर्नमेंट ने चलाई थी भावांतर भुगतान योजना, वो जो उनके लिए थी फ्रेंड, जो जिन फार्मर्स को लॉस हुआ था, उनकी क्रॉप्स ख़राब हो गई थी, तो उनको पूरा रेट नहीं मिल पाया था अगर, तो उनको पूरा रेट देने के लिए उन्हें मतलब कि ये था कि गवर्नमेंट उनको कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी, जितना उनको रेट उतना जो गवर्नमेंट ने एमएसपी डिसाइड किया था, तो उनमें जितना भी रेट का इम्बैलेंस आ रहा था, तो वो गवर्नमेंट ने, ये कुछ इक्वालिटी की नहीं थी, इस जो ये उनके लिए थे जिनको पूरा एमएसपी का जो रेट था नहीं मिल पाया। मिड डे मील आप सभी को मालूम है कि ये स्कूलों के अंदर खाना प्रोवाइड किया जाता है, भले ही वो किसी भी कास्ट का, किसी की रिलीजन का हो, सभी को इक्वालिटी पे सभी को खाना प्रोवाइड कर दिया जाता है, किसी से भी अनटचेबिलिटी और ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि यहाँ पे दलित ही होते हैं जो खाना बना रहे होते हैं। जनधन योजना, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाने थे, इसीलिए भी ये थे कि लोगों में इक्वालिटी आए, सभी को, सभी के पास जो बैंकिंग सेक्टर है उनकी पहुँच बन पाए, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना ये था कि गर्ल्स के अमंग जो इनइक्वालिटी हम देखते हैं कि लड़कियों को मार दिया जाता है वगैरह फिटनेस के अंदर ही, और ये सब था कि उनके अंदर इक्वालिटी आए, लोगों लड़कियों को मत मारें और उन्हें जन्म दिया जाए और उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाए, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, दिस इज़ फॉर इक्वालिटी। नेक्स्ट इज हु अपॉइंट द सीएम एंड अदर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? तो सभी को मालूम होगा गवर्नर अपॉइंट करता है, और आर्टिकल 164 में अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट इज हु इज अ लिटरेट अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ के अंदर हमारे गवर्नमेंट इंडियन इंडिया के अंदर कि लिटरेट किसे बोला जाता है, लिटरेट मतलब कि पढ़ा लिखा या लिटरेट के पर्सन, तो किसे बोला जाता है? जो 10 साल की एज का हो, एबल टू राइट जो लिख सकता हो, जो या लिख सकता हो या पढ़ सकता हो, या फिर 7 ईयर्स अबव एबल टू राइट इज नेम। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे इंडिया के अंदर जो लिटरेट बोला जाता है, यूनेस्को द्वारा भी यही है, और इंडिया के अंदर भी क्या है कि जो 7 ईयर या उससे ज़्यादा का हो,
और उसको अपना नाम लिखना पढ़ना आता हो उसे बोला जाता है। ऐसा नहीं कि 7 ईयर अबव और उसे लिखना पढ़ना नहीं आता तो उसे भी हम लिटरल बोल लेंगे, नहीं, 7 ईयर से ज़्यादा हो और उसे लिखना पढ़ना आता हो कम से कम अपना नाम तो, ठीक है, तो इज कॉल्ड लिटरल। अगर 7 ईयर से कम हो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें लिखना पढ़ना आ जाता है बट वो लिटरेट में नहीं आते, 7 ईयर्स और अबव, 7 ईयर का होना और या उससे अबव होना, दे आर एडेड इन टू द लिटरेट क्लास। डोमेस्टिक वायलेंट एक्ट पास्ड ओन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो मतलब घरेलू हिंसा के बारे में जो एक्ट था वो कब पास हुआ था, तो फ्रेंड वो 2006 में इनेक्ट हुआ था, पास तो वो 2005 में ही हो गया था बट ये इनेक्ट जो हुआ था जब से लागू हुआ था वो 2006 में लागू हुआ था। और वो क्यों था है कि इनइक्वालिटी जो थी अमंग द वीमेंस, मतलब उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, दहेज प्रताड़ना के लिए इनइक्वालिटी समझा जाता था लड़कियों को, फिर इसी लोग मारते थे कि बड़ा होंगी शादी करनी पड़ेगी और इनको दहेज देना पड़ेगा, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था हमारा 2006 के अंदर, जिसके अंदर ठीक है कि दहेज वगैरह जैसे डोमेस्टिक वायलेंस जो भी लोग करते हैं तो उनको सीधा उनको जो जेल जेल करार था, ठीक है। इसी इक्वालिटी की वजह से वुमेन को सेम पायदान पे लाने के लिए इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो फ्रेंड्स वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 19 नवंबर, ये भी पता होना चाहिए। वीमेंस डे तो सभी को पता है 8 मार्च, ऑन मेंस डे 19 नवंबर, ठीक है। 1997 गाइडलाइंस फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 1997 में भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी गई थी कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेसेस पे या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे तो उनको भी खत्म किया जाता है, कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, कुछ रूल्स बनाए गए थे। जैसे अभी हम देखते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है ऑन द ट्विटर, दैट इज मी टू कंपेन, #MeTooCampaign, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब गाइडलाइंस या सरकार का कुछ नहीं है, लोग डायरेक्टली सोशल मीडिया के ऊपर इम्पैक्ट सोशल मीडिया के हेल्प से अपनी जो है भड़ास निकाल रहे हैं और लोगों को सजाएं भी मिल रही हैं जो पहले नहीं बोल पाते थे, ठीक है, तो वो अभी लेडीज बोल रही हैं। इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज व्हाई मीडिया नॉट गिव बैलेंस्ड न्यूज़। अब जो मीडिया, जो पर्सन प्रिंट मीडिया, जो हमारे न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं या फिर आप टीवी मीडिया वगैरह भी ये भी ले सकते हैं, तो ये जो मास मीडियाज हैं सारे ये बैलेंस्ड न्यूज़ क्यों नहीं दे पाते, दैट इज़ कंट्रोल बाय द बिजनेस हाउसेज, सेंसरशिप्स, वन साइड फैक्ट एंड TRP रेटिंग्स। तो अगर मेन अगर इसका अगर क्वेश्चन का आंसर है तो वो कंट्रोल बाय बिजनेस हाउसेज है, ठीक है। ये सभी रीजन सेंसरशिप्स, वन साइड फैक्ट, ये सभी भी आते हैं बट मेन द कंट्रोल बाय बिजनेस हाउसेज। कैसे, जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी अगर आप न्यूज़पेपर उठाएं या फिर अगर आप कोई टीवी चैनल पे कोई भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं। वो एडवर्टीजमेंट होती किसी बड़ी कंपनी की होती है, बड़े बिजनेस हाउस की होती है, तो वो क्या करते हैं कि उनसे पैसा लेते हैं और फिर अपना चैनल चलाते हैं। अब वही जो न्यूज़ चैनल वाले हैं कभी भी जो एडवर्टीजमेंट या जो बिजनेस हाउसेज उन्हें पैसा इतना सारा प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक एक मिनट की या एक एक सेकंड या 3 या 4 सेकंड की जो न्यूज़ होती हैं वो 3.5-4 लाख तक की होती हैं, जो इन्हें इतना पैसा प्रोवाइड करती हैं। और हम देखते हैं कि न्यूज़ जो एडवर्टीजमेंट आती है एक बार नहीं आती, इतनी बार आती हैं, तो एक एक दिन का इतना इतना सारा पैसा जो वो उनसे ले रहे हैं, जिनके बेस पे उनका जो सारा धंधा चल रहा है, तो वो उनके अगेंस्ट क्या होते हैं, वो कुछ लिख नहीं पाते हैं ना बोल पाते हैं, तो इस वजह से वो एक बैलेंस्ड न्यूज़ लोगों को तक नहीं पहुंचा पाते हैं। दूसरा मुद्दा आता है सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब कि कुछ ऐसे फैक्ट काट दिए जाना जो लोगों के लिए यूजफुल ना हो, इन्हें गवर्नमेंट सेंसर करती है, ठीक है, कि कुछ जैसे कि सेंसरशिप का सबसे बड़ा मुद्दा देखते हैं हम इमरजेंसी के टाइम पे 1977 के अंदर, जब इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे न्यूज़पेपर को सेंसर कर दिया था, जो कुछ भी लिखा जाएगा वो जो क्या गवर्नमेंट से पहले समझ के पूछ के या दिखा के लिखा जाएगा, तो ये कुछ भी मुद्दा होता है कि कुछ जो गवर्नमेंट कट करवा देती है। बट गवर्नमेंट अभी देखते हैं कि आप न्यूज़ चैनल में जो एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं दो हिंदू में, वो कभी गवर्नमेंट के इंप्रेसिव प्रेशर में आके नहीं लिखे जाते, वो तो अपनी मर्जी से जो कुछ भी लिखते हैं, तो ये सेंसरशिप इतनी बड़ी बात नहीं कि गवर्नमेंट उनको, अगर गवर्नमेंट हर चीज़ कोई काटने लग गई तो फिर न्यूज़पेपर किस बात का, वह आर्टिकल्स किस बात के पर, क्योंकि आर्टिकल्स जब हम पढ़ते हैं द हिंदू की एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं वगैरह, तो उनमें कहते हैं कि हमारे ऊपर बैलेंस्ड कुछ जो बैलेंस्ड न्यूज़ दी दिया जाती है एडिटोरियल अपना, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ अगर लिखना होता तो भी लिखते हैं। वन साइड इफेक्ट मींस कि मतलब एक ही तरफ के मुद्दे को उठाना, दूसरी तरफ के बिल्कुल मतलब उसके यहाँ पे कुछ भी ना कहना। लाइक अगर देखते हैं कि अगर कुछ मतलब ऑनर किलिंग हो रही है या रेप केसेस वगैरह हो रहे हैं, उनको इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, बल्कि दूसरी यहाँ पे अगर कुछ एग्रीकल्चर से मुद्दे हैं, पावर्टी से रिलेटेड मुद्दे, वो जो है न्यूज़पेपर में या टीवी में बहुत कम उठाए जाते हैं। चौथा मुद्दा था ये TRP रेटिंग्स, मतलब कि उनकी रेटिंग्स बढ़ जाएंगी, ये चीज़ ज़्यादा दिखाएंगे, मतलब लोग उन चीज़ों को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं जो उन्हें कुछ चटपटा मसाला लगे, जो कुछ बोरिंग चीज़ होती है लोग उन्हें नहीं पसंद करते, तो इस वजह से भी वो बैलेंस्ड न्यूज़ नहीं देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुटिंग आउट सिस्टम. इज पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है? मर्चेंट सप्लाई रॉ मटेरियल, मर्चेंट रिसीव फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट सेल डायरेक्टली टू द मॉल्स. एंड ये मार्केट सिस्टम से रिलेटेड है फ्रेंड बात, जिसके अंदर द आंसर इज डी, सॉरी द आंसर इज मर्चेंट सप्लाई रॉ मटेरियल. मर्चेंट लाइक ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये जो हमारे बुक में दिया गया था, ये इज अकॉर्डिंग टू हमारे जो कॉटन मार्केट होती है उनसे रिलेटेड था, कि जो मर्चेंट्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं वो कुछ उनको जो वीवर्स होते हैं उनको देते हैं, और वो रॉ मटेरियल से या उन्हें मतलब जो कुछ कॉटन वूल बॉल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी स्पिनिंग वीविंग करती हैं, और फिर वो जो फिनिश प्रोडक्ट है वो मर्चेंट को ही वापस दे देते हैं. इससे बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम. अभी इसका लॉस क्या होता है? इसका लॉस ये होता है कि जो बीच में स्पिनिंग वीविंग कर रहा है उसको ये लॉस हो जाता है कि उसे वो मिल तो जाता है बट उसे मर्चेंट को उसी ही फिक्स प्राइस में देना पड़ता है, उसे मुनाफा कम होता है. इसी वजह से ही यहाँ पे जो था तमिलनाडु में या फिर और जो एरियाज में इनके कॉपरेटिव्स बना लिए गए थे, जिन्होंने क्या कि अगर इन्हें पैसा चाहिए होता था तो वो उन कॉपरेटिव से निकाल लेते थे और वो किसी को भी बेच सकते थे, जरूरी नहीं कि वो मर्चेंट को ही दे. दिस इज द पुटिंग आउट सिस्टम. तवा मत्स्य संघ बिलोंग्स टू, अब ये तवा मत्स्य संघ बिलोंग, ये एमपी का ही क्वेश्चन है, ये एमपी से बिलोंग करते हैं. ये क्यों कब बना था? ये तवा डैम जब बना था 1978 के अंदर उसके लिए बना था, क्योंकि यहाँ पे ये डैम तो बना लिया गया पर उसके अंदर जो बहुत सारे विलेजेस सबमर्ज हो गए, फॉरेस्ट सबमर्ज हो गए, तो उनको क्या था गया कि उनको कोई दूसरी जगह पे डिस्प्लेस कर दिया गया था. जब वो दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हुए थे तो उनका पूरा जो रोजगार था वो बिल्कुल ठप हो गया था, और उसके साथ ही जो सरकार ने क्या ऑर्डर पास कर दिया 1994 में कि जो फिशिंग राइट है सिर्फ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को थे, क्योंकि यहाँ पे फिशरमैन की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने जो फिशिंग मतलब वहाँ पे जो मछली पालन है कौन कर सकते हैं? सिर्फ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स कर सकते हैं. अब लोगों को और ज़्यादा बुरा लगा, एक तो डिस्प्लेस कर दिया, सारी रोजी रोटी चली गई है, और जो कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए गए, तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तवा मत्स्य संघ बनाया. तो 1996 में सरकार को फिर लॉ पास करना पड़ा जिससे जो फिशिंग राइट थे अब सिर्फ जो वहाँ पे जो कम्युनिटी के लोग थे उनको दिया गया. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम आपको पता होना चाहिए ये वर्सेस. अब फ्रेंड कुछ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो मैंने उठा लिए गए हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आ भी जाते हैं हमारे एग्जाम में. कैन यू एक्सप्लेन द टू वेज इन विच यू थिंक एडवर्टाइजिंग अफेक्ट द इशू इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या आप सोचते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट आती है हमारे टीवी पे या न्यूज़पेपर पे, ये अफेक्ट करती हैं हमारे इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी? मतलब कि डेमोक्रेसी के अंदर, इस प्रजातंत्र के अंदर सभी इक्वल हैं, तो ये क्या एडवर्टीजमेंट हमारी इक्वालिटी को, जो हमारे समानता है उसको इफेक्ट करती हैं? कैसे इफेक्ट करती है? करती हैं फ्रेंड्स, बहुत इफेक्ट करती हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग होती है जो, वो फोकस किसके ऊपर होती है? एडवर्टीजमेंट किसके लिए दिखाई जाती है? जो रिच और फेमस, या ये हमें उनके ऊपर ये फोकस करके दिखाई जाती है. यहाँ पे जो ये भूल जाते हैं कि पावर्टी को या डिस्क्रिमिनेशन को भी दिखाना है, ठीक है. इसके अंदर जो क्या होता है कि डिसीजंस ये हमारे माइंड को ऐसे कंडीशन कर देते हैं कि मतलब कि इनको अगर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हम इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमें क्या होता है कि दुख फील होता है. लाइक मतलब कोई भी, अब जैसे जॉनसन्स बेबी की सोप की एग्जाम्पल ले लीजिए, कि वहाँ पे वो मम्मा उनको बच्चे को उस सोप से नहला रही होती है. मीन्स कि अगर माँ बच्चे को प्यार करती है तो जॉनसन्स बेबी से सोप से नहलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बच्चे को बहुत ही केयरफुली रखता है, प्रोटेक्ट करता है, स्किन अच्छी रखता है. बट अगर कोई उस सोप को नहीं अफोर्ड कर पा रहा, 25 से 30 रुपए की सोप नहीं लेके आ पा रहा, तो क्या वो माँ उससे बच्चे से प्यार नहीं करती है? तो ये एक डिसकंटेंट हो जाता है दिमाग में, जो नहीं अफोर्ड कर पाते कि शायद मैं अपने बच्चे को उतना बेटर नहीं दे पा रही हूँ जितना कि अगर मैं वो सोप ला के दे देती तो वो बेटर फील करती. तो मतलब एक डिसकंटेंट हो जाती है, एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है. दूसरा मुद्दा आता है कि सिर्फ जो लार्ज कंपनीज होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं, कि कभी छोटी छोटी कंपनियाँ छोटी छोटी प्रोडक्ट्स की आपने कभी ऐड सुनी है, जो अचार पापड़ वगैरह बांटते हैं, उनकी कभी इतनी बड़ी ऐड नहीं आती, क्योंकि जो वो स्मॉल बिजनेस करते हैं उनके पास इतना मनी नहीं होता कि वो अपने प्रोडक्ट को टीवी पे या न्यूज़पेपर पे लाके दिखा सकते हैं. इसलिए इफेक्ट करते हैं जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, इसमें बहुत इफेक्ट होते हैं. जो स्मॉल बिजनेस में काम कर रखते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बेच पाते और उनकी जो लाइवलीवुड होती है वो इसमें इफेक्ट होती है, ठीक है. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो आपके पेपर में आ सकता है कुछ, या फिर 3 मार्क्स और 6 मार्क्स, ठीक है. नेक्स्ट इज इन व्हाट वेज डज द मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी? ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार आपके एग्जाम्स में, तो थोड़ा यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या लिखा गया है, कि किस वेज में मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी के अंदर, हमारे प्रजातंत्र में मीडिया एक, जैसे इसे बोलते हैं कि
फोर्थ पीपल पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी. तो ये कैसे रोल प्ले करता है हमारे डेमोक्रेसी में? सबसे पहला, इसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है. ये वॉच डॉग होता है गवर्नमेंट की वे ऑफ फंक्शन में. गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, अगर कुछ वो गलत कर रही है तो बिल्कुल तभी आपको देखते हैं कि वो मुद्दा टीवी के ऊपर जो डिस्कशन सेशन है उनके अंदर उठ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है कि मीडिया प्रोवाइड द न्यूज़ एंड डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट इवेंट. ये हमें न्यूज़ देता है और ये इंपॉर्टेंट इवेंट को भी डिस्कस करता है जो वर्ल्ड वाइड हो रहे होते हैं. जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की ने ये नीतियाँ अपना रही हैं तो उनको भी वो डिस्कस करता है और उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसको भी डिस्कस करता है. इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन सिटीजन कैन लर्न हाउ इन सारी इन्फॉर्मेशन हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, कैसे एक्शंस ले रही है. मतलब कैसे, मतलब कि अगर जैसे कि अभी जो मुद्दा उठा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो सैंक्शंस लगा रहे हैं सब पे ऊपर, ईरान पे भी सैंक्शन लगाए और हमें भी ये था कि पर हमने नहीं मानी उनकी बात. हमने क्या किया, हमने एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होने के नाते किसी ऊपर डाइवर्ट नहीं हुए और हमने क्या किया, ईरान से फिर भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं. इन्होंने सैंक्शंस लगाई थी रशिया पर तो भी हमने S-44 वहां से लिया है. तो ये दिखाता है कि हम वी आर नॉट ऑन किसी एक की तरफ टिल्ट नहीं हो रहे हैं कि USA की अगर हमसे कुछ फ़ायदा हो रहा है, मिल रहे हैं अच्छे रिलेशन, तो बस हम उन्हीं की बात, हम सिर्फ अपना फायदा देखेंगे. हमें जरूरी नहीं है कि USA क्या कर रहा है या रशिया क्या कर रहा है. हमें अगर रशिया के इंस्ट्रूमेंट अच्छे लग रहे हैं तो हम वहां से खरीदेंगे. हमें अगर तेल ईरान से सस्ता पड़ा है तो हम वहां से लेंगे, ना कि अमेरिका के दबाव में. हम किसी के दबाव में भी नहीं है. ठीक है, तो ये बहुत इफेक्ट पर खाता है कि हमें गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है और कैसे वो एक्शन लेती है. इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू पीपल टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन. यहाँ पे लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होता है कि वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्पेशली ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज. ठीक है, वो एक्सप्रेस करते हैं. मीडिया ब्रिंग अ सोशल अवेयरनेस, एक सोशल अवेयरनेस करता है अबाउट इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल इवेंट्स. तो कल्चरल इवेंट दिखाए जाते हैं, डांस फॉर्म्स वगैरह दिखाए जाते हैं. तो इनसे ये एक इकोनॉमिकल भी, जैसे बैंकिंग सेक्टर की जो न्यूज़ है, कमर्शियल सेक्टर, मार्केट सेक्टर की, तो वो भी हमें पॉलिटिकल भी, सोशल भी, कल्चरल भी, सभी इवेंट्स की न्यूज़ हमें मीडिया के थ्रू मिल जाती है. ठीक है, नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन. दिस द यू हैव रीड अबाउट द वेज इन विच मीडिया सेट्स द एजेंडा. मतलब मीडिया के एक एजेंडा सेट कर लेते हैं. वट काइंड ऑफ इफेक्ट डज दिस हैव ऑन अ डेमोक्रेसी. इसका एक प्रजातंत्र पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको दो एग्जाम्पल के साथ दिखाना है. ठीक है, मतलब मीडिया के एजेंडा सेट कर ले कि इसी मुद्दे को उठा के चलना है, तो इस चीज़ का डेमोक्रेसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. देखिए कि मीडिया का एक बहुत ही इमेंस, क्योंकि हर एक लोग होते हैं, हर कोई भी, आप भी अगर पढ़ भी रहे होंगे तो एक घंटा टीवी ज़रूर देखेंगे. ठीक है, हर कोई लोग है, जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं, कोई ना कोई चैनल जरूर देख रहे होते हैं. उनका बहुत इंपैक्ट पड़ता है मीडिया, क्योंकि ये कुछ फ्यू इश्यूज़ को उठाता है. इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर. लाइक मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि डिसाइडिंग वट स्टोरीज टू फोकस ऑन. जैसे कि अगर हम अच्छी स्टोरीज, अगर वुमेन के एम्पावरमेंट के ऊपर स्टोरीज दिखाई जा रही हैं, या फिर ऐसी स्टोरीज या कुछ मूवीज ऐसी आ जाती हैं जो हमें एम्पावरमेंट के बारे में दिखाई जाती हैं, तो वो हमारे जो दिमाग पे बहुत इंपैक्ट पड़ती है. देयर फॉर डिसाइड्स ऑन वट इज़ न्यूज़ वर्दी. इसलिए मीडिया को ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि न्यूज़ वर्दी चीज़ क्या, भाई अच्छी चीज़ दिखाना क्यों ज़रूरी है, भी बजाय कि तुम वल्गर दिखाओ, कुछ अच्छा चीज़ दिखाना जिनसे एम्पावरमेंट मिले, बूस्टअप मिले. ठीक है, जो हमारे देश के हित में हो. समटाइम इट मिसेज आउट. कई बार ये बहुत बार मीडिया द्वारा मिसेज किया जाता है सिग्निफिकेंट इवेंट्स को. ये अननेसेसरी इवेंट को कवर अप करते हैं ताकि लोग क्या है, अट्रैक्ट हो, वहाँ पे बने रहें. ठीक है, अभी ये हो रहा है, अभी ये यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं. जैसे कि मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं वो जो बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाए जाते हैं, पूरी एक एक मिनट की वहाँ पे न्यूज़ दी जाती है. ठीक है, लाइक अमृतसर का जो अभी एक्सीडेंट हुआ था, तो उसको इतने टाइम तक दिखाया, बजाय कि उनसे डिस्ट्रेस हो रहा है दिमाग को, लोगों के दिमाग पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, उसे इतनी ज़्यादा वास्ट कवरेज दी जाती है. तो दिस इज़ बेटर. उसकी बजाय तुम कुछ एग्रीकल्चर पे या टेक्नोलॉजी पे या फिर एम्पावरमेंट पे दिखाओ, तो इट्स बेटर फॉर दैट. ठीक है, नेक्स्ट इस फोकस ऑन वन साइड ऑफ इशू, इट कैन इन्फ्लुएंस अवर थॉट्स एंड एक्शंस. पीपल्स मे मेक बायस्ड डिसीजंस. ठीक है, बायस्ड डिसीजन, हमें पता नहीं चलता कौन से डिसीजन बनाने हैं, हम सिर्फ न्यूज़ को देख के ही अपने डिसीजंस बना लेते हैं. रादर मीडिया शुड प्रोवाइड अ बैलेंस्ड रिपोर्ट, लीव इट टू द ऑडियंस टू डिसाइड. मीडिया को क्या करना चाहिए, एक बैलेंस्ड रिपोर्ट दे देनी चाहिए. भाई हमने ये देखा, ये बताया, अब आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं. बैलेंस्ड रिपोर्ट विल हेल्प द पीपल इन अ डेमोक्रेसी मेक राइट इन्फॉर्म डिसीजन. एग्जाम्पल अगर लेके देखें कि अगर पॉजिटिव नोट का दे कि मीडिया हाईलाइट करती है कुछ सोशल क्राइम्स को, एक ऑनर किलिंग को, जो बाय कास्ट पंचायत द्वारा ऑनर किलिंग होती है, जिससे दिखाया जाता है कि ये नैरो माइंडेड फैमिलीज हैं, कम्युनिटीज कैसे काम. दिस हेल्प द पीपल बिकम अवेयर ऑफ द सोशल इश्यूज, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि अभी तक ये कार्य भी हो रहे हैं हमारे इंडिया में, जिन्हें रोकने की जरूरत है, जिनके अगेंस्ट लॉ लाने की जरूरत है. दूसरे नंबर पर,
जो हमारी जो इंडिया की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर हाईलाइट किसको दिखाया जाता है कि सास बहू के चैनल चल रहे हैं 24 घंटे, या फिर कुछ और हिंदी के ऊपर मूवीज चैनल चल रहे हैं, बजाय कि एग्रीकल्चर के या टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर चैनल चलाया जाए। अभी आया है एग्रीकल्चर का चैनल, आई नो कि 2 साल से आया, पर उससे पहले क्या था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो एग्रीकल्चर के बारे में हमें न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा हो, हमें जो उसके बारे में कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हो, टेक्निकल एजुकेशन। तो द क्वेश्चन इज, द मुद्दा इज, द प्रेस इज रियली इंडिपेंडेंट और नॉट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द दिस पेपर 2। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने गेन कर ली होगी। अब उससे पहले, ख़त्म करने से पहले, मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर 3 का सिलेबस क्या है। ये जो पेपर है आपका सैटरडे को होने वाला है, 17 नवंबर, ठीक है। इसमें करंट अफेयर्स होंगे 1 जनवरी से 15 जनवरी 2018 से। आप कोई भी सोर्स, कोई भी मैगजीन, कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, बट आपको योजना मैगजीन पढ़नी ज़रूरी है जनवरी की, जिसमें ब्रेकिंग द रिफॉर्म्स, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन या बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में दिया, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। द हिंदू और पीआईबी एनालिसिस भी, द हिंदू के एडिटोरियल्स आप 15 जनवरी तक के पढ़ लीजिए और पीआईबी के एनालिसिस पढ़ लीजिए, कुछ जो इंपॉर्टेंस है उसके अंदर 15 जनवरी तक। तो इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑन 17 नवंबर, ऑन सैटरडे, ठीक है। यू गेट रेडी फॉर दैट। उससे पहले मैं आपको 2 टेस्ट और भी बता देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से दिन पे आपका क्या होना है, तो आप अपना टाइम शेड्यूल आपको जल्दी कवर कर लेते हैं। एक चीज पढ़ के बोर हो रहे हैं तो दूसरी चीज पे आ सकते हैं, तो मैंने 4ों के दे दिए। टेस्ट पेपर 4 जो बिल्कुल उससे अगले दिन ही होगा, संडे को, इसमें आपको मतलब इसीलिए कोई गैप नहीं रखा गया क्योंकि फुल लेंथ टेंथ है, इसमें कुछ कोई स्पेशल रिवीजन का या कुछ वो है नहीं, क्योंकि सिलेबस तो हमारा चल रहा है। बस सिर्फ आपको एक चीज़ पढ़नी है एमपीजी के, जिसमें हिस्ट्री ऑफ एमपी आपको पढ़ के आनी है, जिसमें से इसमें क्वेश्चन होंगे। एक तो फुल लेंथ पैटर्न का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और एमपीजी के जो हिस्ट्री ऑफ एमपी में भी 20-25 क्वेश्चन होंगे, तो आपके अराउंड 125 क्वेश्चन होंगे उस दिन। ये है आपका टेस्ट पेपर 4 जो संडे को होगा, 18 नवंबर को। नेक्स्ट द सिलेबस फॉर टेस्ट पेपर 5 जो आपका मंडे होगा, बिल्कुल उसके अगले दिन बिना किसी गैप को, तो इसको आपको इन्हीं 3 दिनों के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना है, जिसमें आपका ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, क्लास 6 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी द अर्थ अवर हैबिटेट, क्लास 7 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी अवर हैबिटेट। तो ये दोनों आपको कवर करना है, ये भी पतली पतली बुक है, आपके 5-7 घंटे का काम है, तो ये आपको कैसे भी अपना टाइम शेड्यूल सेट करना है, और ऐसे आपके टेस्ट होंगे। दीज आर द सिलेबस, यू गो थ्रू दिस प्लीज फ्रेंड। फायदा तभी होगा जब आप ये सिलेबस कवर अप करेंगे, फिर इसको टेस्ट को देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आपकी पेशेंस के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे से कनेक्ट हो सकें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरा नया लेसन आए। कमेंट फॉर द फीडबैक कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आप इन्जॉय कर रहे हैं, क्या आपके लिए नॉलेजफुल है या नहीं। लाइक कीजिए टू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स, एंड शेयर प्लीज फ्रेंड, शेयर इट दैट यू मे हेल्प टू द अदर्स। आप घर बैठे दूसरों की सहायता कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।